शाम के 7:30 बजने को है और अब भारत यात्रा। भारत यात्रा में आज से नए राज्य की पड़ताल शुरू हो रही है। आज आपको महाराष्ट्र में लेकर चलेंगे, जहां यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। शुरुआत राज्य की राजनीति में प्रभाव रखने वाले विदर्भ से। भारत यात्रा में 2019 चुनाव पर सबसे बड़ी पड़ताल यूपी से शुरू होकर पहले चुनावी राज्य मध्य प्रदेश पहुंची, फिर राजस्थान होते हुए छत्तीसगढ़ में लोगों का मूड जाना। अब भारत यात्रा पहुंची है महाराष्ट्र। आज विदर्भ का मूड देखिए। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और भारत यात्रा में आपका स्वागत है। अब तक हमने आपको छत्तीसगढ़ के मूड से वाकिफ कराया था और अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा खत्म होती है और इसके आगे महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। अब तक हमारी भारत यात्रा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में गई और फिर हमने आपको छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत से वाकिफ कराया। अब हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और क्या सोचती है महाराष्ट्र की जनता मोदी सरकार के बारे में और फडणवीस सरकार के बारे में। आइए देखते हैं क्या है महाराष्ट्र का मूड। छत्तीसगढ़ से हम निकले और महाराष्ट्र में दाखिल हुए। रास्ते अच्छे हैं इसलिए गाड़ी फर्राटे से चल रही थी, लेकिन नागपुर की ओर बढ़ते हुए हमारा सामना बारिश से हो गया। सेवाग्राम आश्रम में यह है महात्मा गांधी की कुटिया। इसे बापू की कुटिया कहते हैं और इस कुटिया को हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह से ये कुटिया है। आप जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं तो इस कुटिया के अंदर आपको ये वेटिंग रूम दिखेगा। यहाँ पर जो कोई बापू जी से मिलने आया करता था वो यहाँ पर वेटिंग रूम है इसके लिए। और उसके ठीक बगल में ये वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी बैठा करते थे। इस जगह को अभी भी वैसे ही रखा गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बोर्ड भी दिखेगा जिस पे हे राम लिखा गया है और ये उनके बैठने की जगह है। यहाँ पर बापू बैठा करते हैं और ठीक उसके बगल में ये जो जगह है ये उनके सेक्रेटरी की जगह है। उनके सेक्रेटरी यहाँ पर बैठा करते थे। बगल में यहाँ पे ये गांधी जी की चारपाई यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पे गांधी जी की मालिश के लिए और वो जो इलाज किया करते थे, ये मालिश का टेबल है और यहाँ पर वो इलाज भी किया करते थे। तो बापू का एक तरह से छोटा सा अस्पताल जहाँ सरदार पटेल का उन्होंने उपचार किया था। धीमी धीमी बारिश के बीच हम सेवा ग्राम से निकलकर अपनी मंजिल नागपुर की ओर आगे बढ़े। नागपुर में जब हम दाखिल हुए तो बारिश हो रही थी और शहर में हमारा सामना ट्रैफिक जाम से हुआ। असल में नागपुर मेट्रो का काम यहाँ जोर शोर से चल रहा है, इसलिए कुछ जगहों पर रास्ता संकरा हो गया है। मेट्रो के काम की वजह से कई जगह आपको रास्ते पर प्रवेश बंद, गो स्लो, स्टे अलर्ट के बोर्ड दिखाई देंगे। एक जगह पर रंग बिरंगे नागपुर मेट्रो के डिब्बे की प्रतिकृति लगाई गई है और मेट्रो का एक डब्बा दिखाया गया है। इस डिब्बे पर लिखा गया है माझी मेट्रो, यानी मेरी मेट्रो। सरकार ने मेट्रो को नागपुर में विकास के रूप में पेश किया है। नागपुर शहर की स्थापना देवगढ़ के शासक राजगोंड वंश के राजा बख्त बुलंद शाह ने 1703 में की थी। ये शहर संतरों के लिए काफी मशहूर है, इसलिए इस शहर को संतरा नगरी भी कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है और आरएसएस का हेडक्वार्टर भी यही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसी शहर से हैं, इसलिए हम नागपुर पहुंचे तो सीधे गए उनके विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई विनय जैन से, जो इस कपड़े की दुकान में काम करते हैं। ये मुख्यमंत्री के इलाके में हैं, इसलिए हमारा पहला सवाल था फडणवीस के बारे में। सुनिए विनय की फडणवीस सरकार के बारे में राय क्या है। मतलब क्या बदलाव देखते हैं और क्या कैसे ये सरकार आपको कैसे लगती है? इनके आने के बाद में यहाँ पे नागपुर में बहुत डेवलपमेंट हुए। अच्छा, हाँ,
सड़कें बन रही हैं, काफ़ी है ना, नागपुर के पूरा चेहरा ही बदल रहा है। आज हम 4 साल 5 साल पहले का नागपुर अगर देखेंगे और आज जो डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं जिनको फिनिश होने में 2-3 साल और लगेंगे, बट आज से 3-4 साल 5 साल के बाद में मेट्रो है, सड़कों का काम है, सब जगह ड्रेनेज लाइन है, हर जगह काम चालू है। इतना स्पीड से कभी किसी ने काम नहीं किया। तो आप इनको भी मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। मतलब वो यहाँ से है इसलिए या? नहीं नहीं, काम को देख के, जो बंदा काम करेगा उसको मौका देना ही चाहिए। अगर हम उसको मौका नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं ना उसको, हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर हम उसको मौका नहीं देते तो। विनय महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से खुश हैं। वो तो ये भी मानते हैं कि पकौड़े वाले रोजगार पा रहे उनको भी मोदी सरकार की वजह से इज्जत मिली है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, पकौड़े तलने वाला भी इज्जत की रोटी खा रहा है ना। हाँ। तो ये इज्जत उसको दी किसने? ये इज्जत दी मोदी जी ने, ये इज्जत उनको मोदी जी ने दी, नहीं तो फिर तो फुटपाथ वालों की तो कोई कदर ही नहीं थी, उनको तो वैसे ही उड़ा दिया गया था। उनका सिर्फ यही है कि आप अपना स्वयं का रोजगार करो और डेवलप करो, कंट्री को डेवलप करो। तो आप उनको मौका देंगे? बिल्कुल देंगे। जाहिर है विनय मोदी सरकार और फडणवीस सरकार से काफी खुश हैं, लेकिन क्या नागपुर का मूड यही कहता है? ये जानने के लिए हम शहर में आगे बढ़े। 0 माइल के पास हम एक छोटी सी पान बीड़ी की दुकान चलाने वाले अजीत ठवरे के पास पहुंचे। मेरी तो ऐसी मानना है कि 4 साल में मोदी साहब ने कुछ भी नहीं किए जो गरीब आदमियों के लिए है। आपको कोई 4 साल में कोई आपके जीवन में बदलाव नहीं आया? कुछ भी नहीं। जैसे कि 4 साल पहले मैं यहाँ पे दुकान लगा के कुछ कमा के बचाता था, तो अभी इस 4 साल में ऐसी हो गया है कि बचाना तो बहुत दूर की बात हो गई है, कमा के खाना ही ये बहुत बड़ी बात हो गई है इस 4 साल में। जैसे कि नोटबंदी आ गई है, आम आदमियों ने पैसा निकालना बंद कर दिए, मतलब पैसा है ही नहीं समझो, अभी तो पैसा है ही नहीं, तो पैसा आएगा कहाँ से हमारे पास? पैसा आएगा ही नहीं, हम घर कैसे चलाएंगे? यही एक कहना चाहता हूँ कि आम आदमियों के लिए मोदी साहब ने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या महंगाई से परेशान हो, पेट्रोल डीजल? हाँ वो तो है ही, महंगाई तो अभी भी चालू ही है और ऊपर से और बढ़ी जा रही है। तो इस सरकार को दोबारा 19 में मौका दोगे? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ है ना गरीब आदमियों के लिए, तो और 5 साल दे के मैं क्या कर सकता हूँ? विदर्भ में शिवसेना के 3 सांसद हैं। विदर्भ में 62 में से 42 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में हुए गोंदिया के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई। नागपुर से निकलकर हम अमरावती की ओर बढ़े। रास्ते में मौसम सुहाना था, आसमान में बादल मंडरा रहे थे। हमें किसान खेतों में बुआई करते दिखे। ये इलाका संतरों के लिए काफी मशहूर है, इसलिए हम संतरे के एक बागान में पहुंच गए। यहाँ हमारी मुलाकात 62 साल के जनार्दन इंगले से हुई। चार साल तो जरा दिक्कत के गए, लेकिन हम कांग्रेस वाले थे, लेकिन ये साल में हमको फडणवीस को मदद किया, क्योंकि इनको लाया और ये बोले कि हमको तुम अच्छे दिन लाएंगे तो हमारा बैंक का कर्जा भी नहीं माफ होगा, जैसे बोलते वैसे होता भी नहीं, और बैंक के वाले के पीछे घूमना पड़ता। और बाकी हमारा संतरा का है जो 2016 में 6 लाख का बगीचा आंबिया बार का 3 लाख में बेचा पड़ना, क्यों? नोटबंदी से। नोटबंदी के वजह से पहले 6 लाख का मंगा और बाद में 3 लाख का। हाँ, मतलब मोदी सरकार से नाराज है आप, फडणवीस सरकार से नाराज है, दोनों से नाराज है? तो दोनों से भी नाराज है ना, मोदी सरकार भी वही है, फडणवीस भी वही है। है ये कि इतनी नाराजगी क्यों? हाँ यही बराबर है, जैसे बोलते वैसे करते नहीं,
हम कर्ज माफी करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, वो बोलते वैसे हो नहीं रहा, झूठ बात हो रहा। इस वजह से जनता भी नाराज है, हम भी नाराज। दरअसल जनार्दन को कर्ज माफी का मैसेज मोबाइल पर आया था, लेकिन जब वो बैंक में गए तो बैंक ने बताया कि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, इसलिए वो नाराज है। जनार्दन की बात सुनने के बाद हम बुलढाणा की ओर बढ़े। रास्ते में हमने एक खेत में किसान और उनकी पत्नी को खाना खाते देखा तो गाड़ी रोक दी, उनके पास पहुंचे और बातचीत शुरू की। तो आप सरकार को वापस मोदी जी को मौका देंगे अगले साल? अभी कोई कोई लोग बोलता हाँ। कि मोदी अच्छा नहीं हाँ। ऐसा है तैसा है, लेकिन उसने कर्जा माफ किया हाँ। अभी घरकुल के वास्ते कर्जा किया सब लोगों ने मोटले में हाँ। तो ऐसा लगता कि दोबारा कुछ ना कुछ चांस मिलेगा। आप देंगे चांस? आप देंगे क्या? देंगे ना, वो ध्यान में रख के देंगे। क्या घर का नहीं, मुसलमान थोड़े डरते उससे। अच्छा, मोदी सरकार आएगी तो उसने कहा था विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आते ही नहीं ऐसा लगता। खेती माल को भाव नहीं, ऐसा है ना। माल बेचने को जाओ वो क्या बोलते उसको, ये ले चेक, चेक बैंक में जाएगा, वो 10-15 दिन पास नहीं करते, पैसे आए नहीं, पैसे आए नहीं, ऐसा मुसीबत है। जिस बात को ध्यान में रखने की बात चोपड़े कर रहे हैं वो हिंदुत्व की बात है, लेकिन मोदी को केंद्र में मौका देने की बात करने वाले चोपड़े राज्य में शिवसेना को मौका देने की बात करते हैं। शिवसेना होगा तो ही बम्बई रहेंगी, ऐसा है वो हिसाब से तो बम्बई में शिवसेना ही होना, अभी वोट उसको ही देने को होना सबने। आप किसको अभी देंगे, मतलब आप किसको देंगे? अब तो शिवसेना को ही देंगे। अब शिवसेना को देंगे। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान महाराष्ट्र में किया है। हम आगे निकले तो पहुंचे बुलढाणा। ये विदर्भ का एक जिला है, इस जिले में ही लोनार की वो मशहूर झील है। ये है वही झील, ये झील खारे पानी की है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने से हुआ था। वैसे ज्यादातर उल्का पृथ्वी पर आने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन 52,000 साल पहले या कहते हैं उससे पहले 20 लाख टन की उल्का पृथ्वी से टकराई, उसी वजह से इस सरोवर का निर्माण हुआ। इस पानी में क्षार ज्यादा होने से इसमें कोई जलचर जीवित नहीं रह सकता। यहाँ के मंदिर और वास्तुकलाएं देखने आप जा सकते हैं। इस झील पर कई वैज्ञानिक अनुसंधान भी हुए हैं। ये झील बुलढाणा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस बुलढाणा की हम बात कर रहे हैं वहां से अभी शिवसेना के प्रताप राव जाधव सांसद हैं। हमने सोचा शिवसेना और बीजेपी के अलग होने के मुद्दे पर यहां अच्छी पड़ताल हो सकती है, लिहाजा हम पहुंच गए चाय बेचने वाले सुरेश पाटिल के पास। 2019 में किसको मौका देंगे केंद्र में? 2019 में ठीक है, मोदी जी के साथ में रहना पसंद करेंगे इतने दिक्कतों के बाद भी। लेकिन यहाँ शिवसेना बीजेपी अलग है, एक यहाँ अलग है हाँ। महाराष्ट्र में तो आप मतलब उधर मोदी जी रहेंगे तो यहाँ नीचे बीजेपी को देंगे या शिवसेना को देंगे? नहीं, नीचे तो हम लोग ऊपर ऊपर की बात, ऊपर तो की बात कर रहा हूँ, ऊपर तो शिवसेना को देंगे, फिर बीजेपी को देंगे मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए शिवसेना को देंगे हाँ। लेकिन वो तो अलग है, एक लोकसभा के लिए ना हाँ हाँ। तो लोकसभा के लिए तो नहीं, हम शिवसेना के साथ में ही जाएंगे। आप फडणवीस सरकार को मौका देंगे कि नहीं? नीचे नीचे तो नहीं देंगे, फडणवीस सरकार को नीचे मौका बिल्कुल नहीं देंगे। नीचे तो हम कांग्रेस को मौका देंगे, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए फडणवीस सरकार सबसे अपैसी है। तो आप ऊपर शिवसेना को देंगे? ऊपर हाँ, ऊपर हम जाएंगे उनके साथ में, शिवसेना के साथ हाँ। और नीचे कांग्रेस? नीचे कांग्रेस साथ। क्यों नीचे शिवसेना के साथ क्यों नहीं? क्योंकि वो लोकल लेवल पे वैसा मास लीडर नहीं है शिवसेना में। शिवसेना में
और ये शांति का शहर है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ का शिवसेना का आपका कैंडिडेट अच्छा नहीं है? नहीं, यहाँ पे गठबाजी ज़्यादा है। एक जालिंदर बुधवत साहब है, दिग्विजय शिंदे साहब है, संजय गायकवाड़ साहब है, मतलब यहाँ गुटबाजी है। हाँ, गुटबाजी के देख लो, मेरा वोट तो वेस्ट ही जाने वाला है शिवसेना को देने के बाद में, क्योंकि उनकी गुटबाजी ज़्यादा है। ऊपर 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 तो मैं जाऊँगा मोदी जी के साथ में, शिवसेना के साथ भी जाऊँगा, शिवसेना मोदी जी के साथ भी जाएंगी, वो देखते हैं। शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जैसी लहर 2014 में थी, वैसी लहर जानकार इस बार नहीं मान रहे हैं। ये जो असंतोष है, ये जो नाराजगी है, इसको वोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक संगठन चाहिए। जो संगठन आज बीजेपी के पास है वो आज कांग्रेस के पास नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास है, हमारी तैयारी हुई, दिखाई नहीं पड़ता उनमें अभी भी गुटबाजी और झगड़े और वो सब हायर अप्स के पास एक दूसरे की कंप्लेन लेके जाना, इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा केक वॉक 14 में बीजेपी के लिए था, वैसा इस बार नहीं है। कठिनाई होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों होंगे। बीजेपी के लिए ये इलाका काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ हमने पाया कि शहरों में मोदी को लेकर क्रेज है, लेकिन किसान खुश नहीं है। कैमरामैन गजानन बालापुरकर और संवाददाता उमेश कुमावत के साथ विदर्भ से भारत यात्रा में इतना ही। कल आपको दिखाएंगे मराठवाड़ा और पुणे का मूड। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।